Yeah, department. Hi, hi. Chahiye, chahiye. Pani chahiye. Chahiye, chahiye. Pani chahiye. We want. Yes, yes. We want. Yes, yes. Yeah, department. Hi, hi. Yeah, department. Hi, hi. Yeah, department. Hi, hi. Sir, you might be good for the last. No, sir, you might be good for the last. Gosh, you put it in, huh? Gosh, buy it. I did it. Who's the other side? I'll go boot. Which is Yoshi? What's your तो हम आप मीडिया वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहां पर आए और हमारे ये जनवन मुतालबात देखे और बाज़ाता आप लोगों ने जायजा लिया कि इस गांव को के कौन से मुश्किलात हैं। ये गांव हमारा तकरीबन 350 कुंभों पर मुश्तमिल है। इसमें ना पीने का पानी और ना रोड कनेक्टिविटी, जैसे कि आप आ गए कि आपकी गाड़ी वहां खड्डे से ऊपर नहीं चल सकी। इस तरह रोड का बुरा हाल है, इस तरह पानी का बुरा हाल है। आपने देख लिया कि लोगों ने अपनी पाइपें लगाई है नाले में, जिससे वो मोटर के जरिए अपने घरों तक गंदा पानी पहुंचाते हैं। चाहे आज तक कम से कम 20 दफा हंदवाड़ा पीएचई डिवीजन का रुख किया, लेकिन वहां बेबसी के समेत हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। बारह हमें बताया गया कि हम आप लोगों को रिजर्वर बनाएंगे, लेकिन आज 15 साल हो गए वो रिजर्वर नहीं बना, न उसके लिए पैसे आए। यम दिन वनक डी डी सी बनाए, बी डी सी बनाए, या वार्ड मेम्बर बनाए, सरपंच बनो इन तेज से सोन रिक्वेस्ट वा तुम करो इन माजन बीन थो न खयाल कह किलोमीटर पे आब पे आन बिल्कुल टोटल कह यू कल इन वोडन जरूरत वोडन जरूरत यु वन वोडो ब्रो जो दौ रोज वोट त्रावस मुलिम चोर खसान ये दुन पे बेचान नफर कह स लगावान फीत हाथ बाय हाथ हा गई रिजर्वेशन यह हा गए दोन मज ग तैयार वोट वोट कम्प्लीट ग समझ कि डोट क्या इन घर पे यह डोट बोर्ड बार डोट छतें गा पे रोज इन बार बार पे टोटल इन बिल्कुल यह खयाल कहें दरअसल इन मौज भी कह दरअसल कन फटमित इन कंस खयाल कह जो बुजुर्ग मां जो बीमार पूरी करो जो बीमार मां कह बीमार मां तम ठूक मा लग तम ब्रख मा लग यह बिल्कुल एहसान कह बिल्कुल एहसास कह ब्राह्मण कौम एक किलोमीटर बस मे खाव आब भरान ये खास मज डपर तल मज डपर तसा लेकिन इन बेानसाफन इंसाफ कह इन टोटल इंसाफ कह किस माज भी ब्रख मा लग उम्मीद बराबर 100% कि सांग गए पूर अगर ये मांग तो पूर गई नी कह पत् पे वह वर्य पे डस्टबिन मा तेल आज डस्टबिन सरताज साहब आप अपने आज अपने एक फार फ्लंग एरिया का दौरा किया, जानने की कोशिश करेंगे ये जो लोग सरापा एहतजाज हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो। पीने के पानी को लेकर सरापा एहतजाज है ये लोग। इनका कहना है कि हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, खसूस इस कुमार महल को, जो तकरीबन इनका कहना है कि हम ड्रेनेज का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। तो किस तरह के इनिशिएटिव उठाने जा रहे हो आप आज? देखो ये जो एरिया है सुरमोला, तो ये जो लोग हैं कल हमारे पास आए थे ये डिमांड लेके कि पिछले कई सालों से यहाँ पे पानी नहीं है। तो इस हवाले से मैंने एग्जन साहब से बात की थी कल, तो उनने कहा था कि पानी हम रेस्टोर करेंगे वहाँ पे। उसने जे ई साहब को कॉन्टेक्ट किया वहाँ से, तो बोला कि कुछ दिनों में हम पानी रेस्टोर करेंगे, पानी इस मोहल्ले में जल्दी पानी रेस्टोर होगा। जनरल में यही मैसेज है कि जो पानी का मसला है यहाँ पे वो जल्द से जल्द हल होगा, क्योंकि यहाँ से लाइन बिछी हुई आगे तक लाइन बिछी हुई है, तो उससे आगे यहाँ तक पानी रेस्टोर किया जा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी एग्जन साहब, एग्जन हनवारा जो है हमारे, तो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पे पानी रेस्टोर हो, ताकि आम लोग जो है वो सफ़र ना करें। क्योंकि बीजेपी की बात करें, उन्होंने जल जीवन मिशन को एक लंबी आवाज़ देकर जल जीवन मिशन घर घर मिशन होगा, आज तक हमें नहीं दिखा। 5 साल गुजर गए आपकी हुकूमत के, अगर हम पिछले हुकूमतों की बात, वो तो ऑलरेडी लोग बेबस हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ वोट के वक्त हाजिर होते थे। आपका ना वो आपकी कोई वोट की ज़मीन नहीं थी, लेकिन फिर भी 5 साल के दावे आपके सामने, क्या कहना चाहिए? एक्चुअल में जो सरपंच या डी डी सी या बी डी सी मेम्बर्स यहाँ पे है, वो ग्राउंड लेवल पर जो ये स्कीम्स है ये होने नहीं देते हैं। तो हमारा जो मिशन है घर घर जल, वो तो एग्जाम साहब ने कल भी बोला कि 42 स्कीम्स जो है घर घर जल, ये लॉन्च जल्दी होने वाली है, जिसकी वजह से लोगों के जो मसाइल है पानी के वो हल होते जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।
और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन